हेलो डियर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अभी आने के मैक्सिमम जिनके चांस हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कुछ कहा जाता है, सिनोनिम मतलब और कौन से नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है, इनका अदर नेम पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, रोचेल साल्ट दिया है, इप्सम साल्ट है, प्रेसिपिटेटेड चाल्क दिया है और नॉन ऑफ द अबो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या कुछ हो जाएगा, इप्सम साल्ट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहते हैं हम, इप्सम साल्ट कहते हैं। चलिए इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे कि और भी क्लियर होगा। तो देखिए, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है जिसका फॉर्मूला क्या कुछ है, MgSO4 7H2O रहने वाला है। मोलर मास देखेंगे 120.36 ग्राम पर मोल दिया है, ठीक है, ये क्लियर है। केमिकल फॉर्मूला यदि पूछ ले तो क्या है, MgSO4 को याद रखना आप सभी, ठीक है। कैसा कुछ अपीयरेंस इनका होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होते हैं, उनमें कोई सुगंध नहीं रहता, ऑर्डरलेस होते हैं और इनमें बिटर टेस्ट कड़वा होते हैं स्वाद में, ठीक है। क्या कुछ इनके यूजेस होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, तो ये आपके लेक्सेटिव है। लेक्सेटिव मीन्स क्या, ऐसे ड्रग जो कि क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। यदि आपका क्या हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है तो ये क्या करेंगे, इजी से इसे पास कराती हैं, तो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव की तरह यूज में आते हैं। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, जो सी सिकनेस वगैरह इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसबैलेंस हो जाता है, सी सिकनेस मीन्स जैसे बहुत ज्यादा समुद्र के पानी में आप जाएंगे, जैसे बहुत देर तक है तो उसमें क्या हो जाता है, सिकनेस सी फील होती है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में, इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसबैलेंस हो जाता है, उनके ट्रीटमेंट में ये हेल्प में आते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच टाइट्रेशन इज नोन एज द अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लेंगे, एक छोटा सा ट्रिक लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन इजी से बन जाता। अर्जेंटोमेट्रिक, जहाँ पर आपका एजी मीन्स सिल्वर, सिल्वर का मेनली सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया जाए, यहाँ पे टाइट्रेशन में यूज़ किया जाए, वो क्या हो जाएगा आपका, अर्जेंटोमेट्रिक कहलाता है। और ये सब चीज किस में होता है, प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है इसमें क्या कुछ कुछ यूज़ किया जाता है, तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है टाइट्रेशंस के लिए। ये आपके प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या हुआ, ये बनाते हैं इनसॉल्यूबल, जो आपका लिक्विड है उससे बनाएंगे सॉलिड फॉर्म में, जो कि क्या रहेगा, सॉल्यूबल नहीं होगा, जिसको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूबल ना हो, सॉलिड मास बना लेंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या कुछ हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा करेक्ट आंसर। ये देखिए प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, इनसॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद क्या कुछ है, तो ये जो मेटेलिक हैलाइड्स है, जैसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ, इनमें क्या कुछ होता है, यहाँ पर रिएक्शन होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में अर्जेंटोमेट्रिक। कैसे ट्रिक लगाएंगे, मैंने आपको क्या बताया, एजी, ठीक है, एजी और नाइट्राइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एजी और नाइट्रो में अर्जेंटोमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते जाते हैं, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज, टू एसिटॉक्सिक ध्यान देंगे यहाँ पर फिर से आए, अभी अब आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चन देखते जाएंगे स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज, ये क्या कुछ होता है, दिया है पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक, क्लोरीकॉक्सिब एंड एस्प्रिन, तो ये आपका टू एसिटॉक्सी बेंजोइक, इसको साथ ही साथ क्या कहा जाता है, सैलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, तो ये क्या होता है आपका, एस्प्रिन होगा, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर देखते चलते हैं, ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पर दिया है टू एसिटॉक्सी, ठीक है, यहाँ पर टू नंबर में क्या है, एसिटॉक्सी ग्रुप है और ये बेंजोइक एसिड, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को साथ ही साथ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपका टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहलाता है। एस्प्रिन को याद रखेंगे, ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक,
एनेस्थेटिक जो कि क्या कर देता है, शून्य कर देता है। अब जिनको इनहेलेशनल के थ्रू, नोज के थ्रू, नाक के थ्रू इनको सूंघा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन देखते जाइए, प्रोपोफोल, केटामाइन, हेलोथेन और थायोपेंटल सोडियम। तो क्या कुछ होगा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, तो आपका हेलोथेन, जितने भी गैसियस जो फॉर्म में होंगे वो आपके इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में आते हैं। हेलोथेन इनका करेक्ट एग्जाम्पल है। इनहेलेशनल में नाइट्रक्स ऑक्साइड, इथर, हेलोथेन ये सब आएंगे, और साथ ही साथ जितने भी फ्लोरेन है, एंड फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, इनको याद रखिए। फ्लोरेन जहाँ पर नजर आए ये क्या कुछ है इनहेलेशनल में। अब आएंगे पेरेंट्रल, जिनको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए, ये आपका डाइजेपाम, लोराजेपाम, मिड्राजेपाम, ये सारे चीज़ें, थायोपेंटल, कैटामाइन, फेंटानिल, प्रोपोफोल, ये आप ये आते हैं क्या पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मीन इंजेक्शन के थ्रू जिनको देते हैं। क्लियर, आगे चले। क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग विच बिलोंग्स टू, ठीक है। अब क्लोरप्रोमाजीन जो कि है एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो ये कौन से क्लास की ड्रग है, ये देखिए, ब्यूटेरोफ्यूनॉन क्लास दिया है, थायोजेंथिन दिया है, फिनोथायाजिन दिया है और एक्रिडीन क्लास दिया है। तो ये जो आपके क्लोरप्रोमाजीन होते हैं वो फिनोथायाजिन क्लास के होते हैं, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन एक बार देख के जाइएगा, इनसे आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। फिनोथायाजिन रिंग वाले जो जितने भी क्लास के ड्रग हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है, थायोरिडाजिन है, इनको याद में रखिएगा, फ्लूफेनाराजिन है, इनको याद रखिए, ये आते हैं फिनोथायाजिन में। अब ब्यूटेरोफिनोन भी इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका हेलोपेरिडॉल। देखिए यहाँ पे सफिक्स याद रख लीजिएगा, डॉल डॉल, ठीक है, यहाँ पे डॉल डॉल का सफिक्स या पेरिडॉल, पेरिडॉल का सफिक्स आया, इसका मतलब समझ लेना ब्यूटेरोफिनॉन्स ये होंगी, ठीक है। उसके बाद एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं जो कि क्लोजापिन, रेस्पेरिडॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे चलते जाते हैं, चलिए नेक्स्ट है, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए बारबिट्यूरिक एसिड दिया है, फिनोबारबिटल, साइक्लोबारबिटल एंड हेक्सोबारबिटल, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किनका कुछ है, तो ये आपके बारबिट्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देखिए ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर में क्या कुछ है, इनका आईयूपीएसी नाम भी देखते जाइए, जो है 1 और 3, ठीक है। 1, 3 क्या है, डाइएजिनिन, ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एजा ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा मतलब एजा ग्रुप उनके प्रीफिक्स में एजा लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ओ है वो क्या है, 2,4,6 ट्राइओन, ये होते हैं इनके आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो बारबिट्यूरिक एसिड यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते जाते हैं। देखिए इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी आइडियल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड प्रिपरेशन। एंटासिड क्या करता है, जब कभी भी एसिडिटी सा फील होता है, ठीक है, एसिडिटी, जब कभी भी HCl का लेवल इंक्रीज हो जाता है, खट्टी दकारे आने लग जाती है ना, देखा होगा आपने इनो वगैरह के ऐड में, तो ये जो एंटासिड है वो यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करेगा, HCl के लेवल को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अब देखिए इनका क्या कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक आइडियल यदि हम लोग बात करें एंटासिड की, तो क्या कुछ उनमें कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, ठीक है, नॉट कॉजेज सिस्टेमिक एल्किलोसिस, एल्किलोसिस ज़्यादा ना कर दे। देखिए अब एसिड का लेवल तो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, पता चलता है ज़्यादा एल्किलो उनका बेसिक लेवल को ज़्यादा कर दिया, मीन्स क्या हो जाएगा, एल्किलोसिस, तो वो ना करें, ठीक है। शुड बफर इन द पीएच रेंज 4 से 6, ठीक है, बफर नेचर का होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एसिड भी नहीं, ज़्यादा बेस भी नहीं, ठीक है, न्यूट्रल ये होना चाहिए, न्यूट्रलाइज दे करे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर भाई, करेक्ट आपका स्टेटमेंट। क्या कुछ इनका एंटासिड का आइडियल प्रिपरेशन क्या कुछ होगा, जो कि एब्जॉर्ब ना हो, सिस्टेमिक एल्किलोसिस कॉज ना करे, लैक्सेटिव ना हो, ना ही कॉन्स्टिपेशन भी कॉज ना करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको लेने के बाद क्या हुआ, बहुत बार आपको जाना पड़ गया, और ऐसा भी ना हो कि एक बार भी जाना ना पड़े, ठीक है, तो ना ही लैक्सेटिव हो, ना ही कॉन्स्टिपेशन कॉज करे ये, और साथ ही साथ बफर होना चाहिए नेचर में, इनका पीएच 4 से 6 के अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा एसिड ज़्यादा बेस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एनाल्जेसिक कंटेन पैरामिनोफिनॉल ग्रुप इज। देखिए एनाल्जेसिक, इनमें से एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, ऐसे ड्रग, ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होगा हमारा, ऐसा ड्रग जो कि कोई भी
पेन वगैरह जैसे कि होता है ना। तो आपने देखा होगा जब कभी भी आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो आप क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो सबसे अच्छा यहाँ पे एनाल्जेसिक का भी एग्जांपल आप देखेंगे क्या है, पैरासीटामोल और जिसमें पैरामिनोफिनॉल ग्रुप, ये देखेंगे अभी पैरामिनोफिनॉल ग्रुप जिसमें क्या आएगा आपका पैरासीटामोल, इनका स्ट्रक्चर आगे हम देखते भी जाएंगे, ठीक है। इबुप्रोफेन दिया है, एस्प्रिन, एस्प्रिन के बारे में मैंने आपको बताया ही, ये क्या होते हैं, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इनका होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इंडोमेथासिन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पैरासीटामोल, ठीक है। देखिए अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव है पैरासीटामोल और फेनासिटीन, उसके बाद साथ ही साथ सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव पूछा जाता है जो है एस्प्रिन, ठीक है। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है एंथ्रानिलिक एसिड, इसे मार्क करते जाइएगा स्टार मार्क, ठीक है। एंथ्रानिलिक एसिड से क्वेश्चन आता है, मेफिनामिक एसिड है, ठीक है, आपके फ्लुफेनेमिक एसिड है, तो इनमें क्वेश्चन आएगा, उनको ध्यान में आप रखते चलेंगे, इनका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द एजेंट विच रिड्यूज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ टीथ फॉर हीट एंड कोल्ड, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ मतलब देखा होगा आपने दांतों में झंझनाहट होती है, ये आप एड जरूर से आपने अपनी टीवियों में देखा होगा, झंझनाहट होती, कभी भी आइसक्रीम खा लिया या फिर जैसे कि कोई अचानक से कोई गर्म चीज़ खा रहे हैं या फिर ठंडी चीज़ खा रहे हैं तो क्या होने लग जाता है, दांतों में झंझनाहट होने लग जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम हाइपर सेंसिटिविटी कहती हैं। तो ये क्यों होता है भाई हाइपर सेंसिटिविटी, अब हुआ तो इनके ट्रीटमेंट में यूज़ करने वाले जो मेडिसिन है एजेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन है आपका डेंटल फ्लोरोसिस, एंटी कैरीज एजेंट, डी सेंसिटाइजिंग एजेंट और एंटी प्लेक एजेंट। तो ये क्या है, सेंसिटिविटी आपने सुना है, तो सेंसिटिविटी हो रही है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसलिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इनको कहते हैं, ठीक है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो कि क्या करते हैं, जब कभी भी आप कोई ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, गर्म चीज़ें खा रहे हैं तो झंझनाहट हुई, इसी के सेंसिटिविटी कहते हैं, इनके ट्रीटमेंट में ये यूज़ में आएंगे, जैसे कि आपका जिंक क्लोराइड और ट्रॉन्टियम क्लोराइड, ये दोनों होंगे इनके डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ नॉट कम्स अंडर एंटीवायरल ड्रग, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग में ये नहीं आते, ये आपको चूज करना है, नॉट लिखा है, जिरोव्यूडिन दिया है, लैमिव्यूडिन दिया है, स्टाव्यूडिन दिया है एंड एमोक्सिसिलिन, तो जितने भी व्यूडिन वाले ड्रग हैं ये तो आपके एंटीवायरल है ही, ठीक है। यहाँ पे एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन क्या है आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन है, एंटीबायोटिक्स हैं ये, ठीक है। चलिए एंटीवायरल आपके ड्रग हैं जिडोविडिन, जितने भी व्यूडिन वाले ड्रग हैं, साथ ही वायरा यदि आया बीच में, याद रख लीजिएगा जितने भी एंटीवायरल ड्रग हैं इनमें याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है, आप देखेंगे इनके सफिक्स में जरूर से वीर वायर ये आपको नजर आएगा, वायरल में VIR, 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 बीच में भी VIR, तो इस प्रकार से पहचानिए ड्रग को, ठीक है। ड्रग में ही इनका क्लासिफिकेशन छुपा होता है, केवल आपको पहचानना है। नेक्स्ट है ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एक्सेप्ट, जनरल एनेस्थेटिक जो कि क्या करते हैं पूरे आपके सिस्टमिक में एक्ट करेंगे पूरे बॉडी में, और लोकल क्या होते हैं जो कि आपके लोकली जहां पर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहीं पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनमें से कौन सा जनरल एनेस्थेटिक नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जो नहीं होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोराजेपाम, मिडाजोलाम, फेंटेनिल और लिडोकेन, तो ये लिडोकेन है जो कि क्या है आपका लोकल, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो लोराजेपाम, मिडाजोलाम, ये सब फेंटेनिल, ये आपके किस में आ जाते हैं, ये जनरल एनेस्थेटिक्स में आएंगे, ठीक है। देखिए लिडोकेन जिसको लिग्नोकेन भी कहते हैं, जाइलोकेन भी कहते हैं, ये एमाइड क्या होते हैं, अमीनो एमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज चाइना क्ले, चाइना क्ले किसे कहते हैं, आपने चाइना क्ले का जरूर से देखा होगा, बर्तन वगैरह छोटा छोटा कटोरी वगैरह आता है अच्छा सा, ठीक है, बाउल आता है ना, है ना, देखा है ना चाइना क्ले का, बस वही, तो ये आपका चाइना क्ले किसे कहते हैं, बेंटोनाइट, टेल, टाल्क होगा ये, ठीक है, याद ध्यान दे देना, टाल्क है, केओलिन और कैलामाइन, तो केओलिन को हम क्या कहते हैं, चाइना क्ले कहते हैं,
ठीक है। ये क्या है आपके चाइना क्ले में आते हैं, क्योलिन यू स्टॉप ब्लीडिंग। क्या करेंगे यदि थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए आप देखेंगे तो ब्लीडिंग को ये स्टॉप करेंगे। क्या हो रहा है यदि बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है उनको क्या करेंगे, रोकेंगे कट वगैरह लग गई तो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ठीक है। मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूज़ आते हैं और फिलर की तरह यूज़ आते हैं, किसमें, टैबलेट में। फिलर मीन्स क्या होता है, ये जो टैबलेट का साइज है उसको इंक्रीज करने में यूज़ में मेनली आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो चाइना और पोर्सिलिन जो आपके पेपर्स हैं, पेपर, रबर, पेंट, इन सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ में भी ये आएंगे, ठीक है। तो केओलिन इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर, ठीक है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को याद करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है भाई, पेरिस याद रख लीजिए, पेरिस, ठीक है। पेरिस को याद रखेंगे तो ये पी से आपका पायरा जीनामाइड, याद रखिए पैराजीनामाइड होगा। ई से क्या होता है, इथम्ब्यूटॉल, ओके। आर फॉर रिफाम्पिन, और आई से क्या होता है, आइसोनियाजाइड, एंड एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पेरिस का ट्रिक बहुत इजी है और हमेशा काम में आएगा, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा पेरिस के ट्रिक से। तो बचा क्या आपका यहाँ पर, कैनामाइसिन, तो ये क्या है आपका सेकेंड लाइन ड्रग होगा, ठीक है। तो ये आपका कैनामाइसिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, और मेनली फर्स्ट लाइन ड्रग के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आपको पेरिस के ट्रिक से मैंने बताया ही है, इसको आप याद रख जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रो एटम। अब हेट्रो एटम क्या होता है, देखिए एक तो आपने रिंग देखा है कैसा, इस प्रकार से सिंपल सा, जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब जो हेट्रो मीन्स क्या होगा, डिफरेंट, जहाँ पर यदि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर यदि मान लो नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन आ गया, मान लो फॉस्फोरस आ गया, मान लो यहाँ पर सल्फर आ गया, तो ये आपके हेट्रो एटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे क्या है, हेट्रो एटम कहलाता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपने ये देखा होगा, ठीक है। यदि इस स्ट्रक्चर में आपके बेंजीन जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर है कार्बन और हाइड्रोजन वाला, यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फॉस्फोरस या आयोडीन या ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें आ गई तो ये सारे क्या हैं, हेट्रो एटम बन जाते हैं। ये हेट्रो एटम है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, चीज़ें समझ आ रही है, आगे बढ़ते जाएं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार के आपके सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं तो जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यूज मिलते हैं डी फार्मेसी के, आगे आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज, नाम से क्लियर है इंडोल, तो जहाँ पर आपके देख पा रहे हैं इंडोमेथासिन, इंडोल इंडोमेथासिन, इसीलिए इसका नाम इंडोमेथासिन पढ़ा क्योंकि इसमें इंडोल मॉइटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया है, करेक्ट आंसर इंडोमेथासिन हो जाएगा। इस वाले क्लासिफिकेशन को मैंने आपको कई बार बोला है, यहाँ पर से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है। सैलिसिलिक एसिड में एस्पिरिन, अमीनो पैरामिनो फिनॉल डेरिवेटिव में हो जाएगा पैरासीटामॉल, ठीक है। पैराजोलिडीन, पैराजोलिडीन का भी आपको आंसर याद रखने चाहिए, जो कि क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं फेनिल ब्यूटाजोन, ठीक है। एंथ्रानिलिक एसिड में फेनामिक एसिड एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको याद रखेंगे। देन क्वेश्चन आते हैं द प्रीफिक्स यूज फॉर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज कॉल्ड। प्रीफिक्स मीन्स किसी भी वर्ड के सामने लगने वाला स्टार्ट में, ठीक है, इस वर्ड को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यदि किसी भी जो आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उनके स्टार्ट में क्या कुछ लग रहा है आपका एजा, वो मतलब होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या कुछ इंडिकेट करता है ये कि इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसीलिए इसके स्टार्टिंग में क्या कुछ लगा है, एजा लगा हुआ है। वहीं पर ध्यान देंगे, हो सकता है आपको पूछा जाए ऑक्सा, ऑक्सा से ऑक्सीजन याद रखिए। यदि हुआ थाया तो मीन सल्फर, ठीक है। यहाँ पे यदि कहीं पे भी थाया लगा हुआ नजर आए आपके ग्रुप में तो वहाँ पे सल्फर कंटेन ग्रुप है, एजा से नाइट्रोजन याद रखिए, ठीक है। उसके बाद तो सभी चीज़ें उनके सिमिलर है, सिलिकॉन है तो सिला लगा हुआ है, ठीक है, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरा लगा है, तो इसको तो आप लोग इजी से पहचान जाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न हमेशा होता है नाइट्रोजन और सल्फर में, इसीलिए इनको याद रख लेंगे।
नेक्स्ट है द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ फ्लूकोनाजोल. नाम से क्लियर है यहाँ पर. लास्ट में आप देखेंगे क्या कुछ नजर आ रहा है, एजोल. हमेशा ड्रग को ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो उस ड्रग के नाम में ही आपको इनके जो मॉइटी है इनमें क्या कुछ कंटेन इनका स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ जाएगा. जैसे यहाँ पे दिया है फ्लूकोनाजोल, ठीक है, तो आपको क्या नजर आ रहा है लास्ट में, एजोल, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. तो आपको इसी में ट्रिक, ड्रग के अंदर ही ट्रिक बनाकर रखना है. अलग से आप लोग ट्रिक बनाएंगे तो भूल जाएंगे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एजोल. ड्रग को ही ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर खुद ही आपको बताएगा, ठीक है. एजोल क्लास में आएंगे आपके मिडाजोल और ट्राई एजोल वाले ड्रग. मिडाजोल में मिकोनाजोल, इकोनाजोल, और ट्राई एजोल्स में क्या आते हैं, फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल. तो इनमें भी आपको कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रखते चलेंगे. नेक्स्ट है आपका पैराजिनामाइड. इज पैराजिनामाइड क्या था आपका, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग था, है ना. फर्स्ट लाइन हमने याद किया पेरिस के ट्रिक से. अब इनका पूछा गया है केमिकल नेम कह लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पे पैराजिन 1 कार्बोक्सामाइड दिया है, पैराजिन 2 कार्बोक्सामाइड, 3 कार्बोक्सामाइड, 4. तो ये 2 कार्बोक्सामाइड होता है इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है. चलिए स्ट्रक्चर देखते जाइए और समझते जाइए. ये है पैराजिनामाइड का स्ट्रक्चर, जहाँ पर देखेंगे आप दिया है पैराजिन, ठीक है, पैराजिन, उसके बाद क्या है, 2 कार्बोक्सामाइड. तो यहाँ पे 2, ठीक है, ये आपका 1 और 2. तो 2 में क्या दिया है, कार्बोक्सी और एमाइड, ठीक है. ये आपका एमाइड ग्रुप है और ये कार्बोक्सी, तो क्या हो गया, कार्बोक्सामाइड, 2 कार्बोक्सामाइड, ठीक है. स्ट्रक्चर देखते जाइए, समझते जाइए. नेक्स्ट है नेम द 5 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग ऑक्सीजन. अब इसको चलिए बनाते हैं, जो बोला है उसको हम बनाएंगे, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है. 5 मेंबर बनाना है भाई, ये हो गया 5 मेंबर. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डालो अनसेचुरेशन, मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड डालो बोल रहा है. अब साथ में बोल रहा है कि ऑक्सीजन भी हो इसमें, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी डाल दिया. तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, बन गया. इसे अब आप क्या बोलते हैं, यही तो बोला गया है, ये जो आपके वर्ड में क्या बोला, 5 मेंबर हो, हमने 5 मेंबर बना दिया. अनसेचुरेशन बोला तो ठीक है, डबल बॉन्ड भी डाल दिया बाबा. अब बताइए ऑक्सीजन भी डालने बोल रहे हैं, ऑक्सीजन भी हमने डाल दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका फ्यूरान, ठीक है, करेक्ट है. बस यही चीज़ें जो पूछा जाएगा वो आप स्ट्रक्चर एक बार बना कर देखें, आसानी से आपका आंसर भी बनता जाएगा. तो ये फुरान पूछा गया था, जो कि हो गया आपका सॉल्व. नेक्स्ट चलें, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पेर्नोइलेक्ट्रॉन इज. अभी बताइए स्पेर्नोइलेक्ट्रॉन कौन सा ड्रग होता है, डायूरेटिक. क्या डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. याद है डायूरेटिक वाले क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है, क्या है ये, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. अब इनका क्या होता है, पहले मेटाबॉलिज्म क्या होगा हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, जिससे कि ये एक्टिव फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, और अपना एक्शन दिखाएंगे. तो ये आपका स्पेर्नोइलेक्ट्रॉन है, वो पहले कन्वर्ट होता है कैनरिनॉन में, देन उसके बाद इसका इफेक्ट नज़र आता है, ठीक है. तो एक्टिव फॉर्म क्या होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनॉन ये होता है, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन ग्रुप था, मेटाबॉलिज्म हुआ तो ये हट गया, तो बन गया कैनरिनॉन, ठीक है. आगे चले, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते जाते हैं. चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ आइसोनियाजाइड, ठीक है. आइसोनियाजाइड जो कि क्या था आपका, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. तो देखिए मेनली IUPAC में हो सकता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का पूछ लिया जाए, आपके एंटी कैंसर वाले ड्रग से क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ है पायरीडीन, 4 कार्बोहाइड्राजीन, 3 कार्बोहाइड्राजीन, 2 कार्बोहाइड्राजीन, 1 कार्बोहाइड्राजीन, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 4 कार्बोहाइड्राजीन. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते जाइए, ये आपका 1 था, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, पायरीडीन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, आइसोनियाजाइड में पायरीडीन रिंग प्रेजेंट होता है. अब देखिए यहाँ पे 6 में क्या है, कार्बो, हाइड्रो और नाइट्रोजन, ठीक है, 3 चीज़ है. तो यही दिया है कार्बोक्सी हाइड्राजाइड, ठीक है, यही आपका आइसोनियाजाइड फिर बना, ठीक है. एजा जहाँ पर है नाइट्रोजन तो होगा ही, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एजा जहाँ पर नज़र आया मींस क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन तो है ही. देन आपका जनरल फार्मूला फॉर एल्केन इज. अब एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में आप 9, 10, 11 सभी में स्टडी किए हैं, और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है. तो जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में सिंपल सिंगल बाउंड हो तो वो कहलाते हैं एल्केन, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये आपका होता है एल्किन का फार्मूला. ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करते जाइए.
नेक्स्ट है फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर. अब ये जो स्ट्रक्चर दिया है क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताइए. आइसोफॉस्मामाइड दिया है, ठीक है. इफॉस्मामाइड 6 मरकैप्टो प्यूरिन है, मेलफेलान है और क्लोरम्ब्यूसिन. तो देखिए यहाँ पर एक भी एक और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो थाया लगता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब साथ ही साथ सल्फर ग्रुप लगता है तो मरकैप्टो ग्रुप भी इसको हम कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है. तो अब जब क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना, मरकैप्टो बोला तब सल्फर है और थाया बोला तब सल्फर प्रेजेंट ही है. तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए यदि इनकी हम नेमिंग कर दें तो ये किस प्रकार से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पोजीशन में क्या कुछ है, सल्फर ग्रुप. तो 6 मरकैप्टो प्यूरिन और ये जो आपका रिंग है वो क्या है, प्यूरिन रिंग है ना. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मरकैप्टो प्यूरिन. अब और साथ ही साथ मेलफेलान का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ठीक है. मेलफेलान का स्ट्रक्चर है इफॉस्फामाइड का और क्लोरम्ब्यूसिल का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ठीक है. पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते जाएंगे. नेक्स्ट दिया है आपका यहाँ पर, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनील यूरिया इज. सल्फोनील यूरिया आपके जो हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट है, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट, इनसे क्वेश्चन आया है, ठीक है. चलिए तो मेटफॉर्मिन है, टॉलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन और पियोग्लिटाजोन यहाँ पर क्वेश्चन है. सल्फोनील यूरिया में आपके मेनली आते हैं टॉलब्यूटामाइड, ठीक है. टॉलब्यूटामाइड ये क्या होगा, ये बेंजिल सल्फोनील सल्फोनामाइड, ये क्या है इसका सल्फोनामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है. सल्फर और एमाइड ग्रुप है इनमें और ये क्या है, सल्फोनील यूरिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं, ठीक है. ये आपका टॉलब्यूटामाइड होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है थायोफिन इज. थायोफिन का यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर पूछा गया. थायोफिन किसे कहेंगे, मैंने आपको बताया थायो मीन्स क्या कुछ हो, यहाँ पर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो. तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि आंसर बी या तो सी, बी या तो डी होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है 5 मेंबर रिंग विद हेट्रो एटम सल्फर, 6 मेंबर रिंग विथ हेट्रो एटम सल्फर. तो ये तो क्लियर हो गया, जब कभी भी सल्फर जुड़ा तो थायो ग्रुप और यदि नाइट्रोजन हुआ तो एजा यहाँ पर होगा, ठीक है. तो यहाँ पर तो ये आपको क्लियर है कि बी या तो डी होगा. अब देखिए यहाँ पर थायोफेन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है. 5 मेंबर का रिंग होगा और यहाँ पर सल्फर होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड रिंग, थायोफेन इसको हम कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांस है, तो आप ज़रूर से इनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान देंगे. क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन आने के चांस है. साथ ही आपको और किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको वीडियोज़ चाहिए जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सके, तो ज़रूर से कमेंट करिए, जिससे कि हम आपकी पूरी प्रैक्टिस करा सके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए. तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट मॉडल पेपर्स के साथ. ऑल द बेस्ट.